हेलो फ्रेंड्स, कॉर्बेट नगरी यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको ले चलूंगा जिम कॉर्बेट टू नैनीताल के सुहाने सफर में। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है बड़ा मजेदार होने वाला है। तो फ्रेंड्स, पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए, क्योंकि मैं आपको दिखाऊंगा पहाड़ की हसीन वादियों का ये सफर। तो फ्रेंड्स, आज का जो सफर हमारा रहेगा वो रहेगा जिम कॉर्बेट टू नैनीताल, उसके बाद हम चलेंगे नीम करौली कैची धाम। तो फ्रेंड्स, पहाड़ की खूबसूरत वादियों में मैं आपको ले चलूंगा आज। तो फ्रेंड्स, बने रहिए कॉर्बेट नगरी यूट्यूब चैनल के साथ खूबसूरत व्यू पॉइंट पे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत ये व्यू यहाँ पर गेस्ट एंजॉय करते हुए। यहाँ पर शूटिंग हुई थी विवाह फिल्म की। आप देख सकते हैं यहाँ पर लैंडस्लाइड हुआ है, जिसके कारण ये सड़क। फ्रेंड्स, सफर की शुरुआत हो चुकी है, हम निकल चुके हैं जिम कॉर्बेट से नैनीताल के लिए। तो फ्रेंड्स, ये शुरुआत है जिम कॉर्बेट से। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं जिम कॉर्बेट की एक खूबसूरत कोसी रिवर। मैं खड़ा हूँ इस समय जिम कॉर्बेट में, और आप देख रहे हैं ये जो हाईवे है, यही हमारा सफर होने वाला है। तो फ्रेंड्स, बने रहिए कॉर्बेट नगरी यूट्यूब चैनल के साथ। मैं खड़ा हूँ इस समय दापका नदी के पुल पे। तो आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत नज़ारा यहाँ से नजर आता है। आप देख सकते हैं पूरा व्यू यहाँ से नजर आता है, सामने पहाड़ों का और दापका नदी का ये खूबसूरत नज़ारा। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत ये व्यू है यहाँ पर। खूबसूरत ढाबे आपको मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, ब्रेकफास्ट और लंच के लिए आप यहां पर रुक सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये पूरा खूबसूरत इलाका। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं काठगोदाम हल्द्वानी नैनीताल को ये हाईवे का सीधा रास्ता। फ्रेंड्स, मैं आ चुका हूं इस समय कॉर्बेट इको पार्क फॉल में, और आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये कॉर्बेट फॉल का एंट्री गेट। तो फ्रेंड्स, आप यहां पर स्टे करके देखने जा सकते हैं कॉर्बेट फॉल, जो कि जिम कॉर्बेट का काफ़ी फेमस और खूबसूरत वाटरफॉल है। तो आप देख सकते हैं हाईवे से लगा हुआ ये कॉर्बेट फॉल का गेट, और सामने आप यहां पर काफ़ी खूबसूरत रेस्टोरेंट आपको दिखेंगे, तो आप ब्रेकफास्ट लंच डिनर का एंजॉय कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, लगभग हमारा सफ़र अभी आधा पूरा हो चुका है नैनीताल और कैची धाम का। तो फ्रेंड्स, कॉर्बेट फॉल के बाद अब मैं ले चल रहा हूँ आपको नैनीताल की तरफ को। तो बने रहिए कॉर्बेट नगरी यूट्यूब चैनल के साथ। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये यहाँ से नैनीताल की दूरी 37 किलोमीटर लगभग बची है। तो ये सीधा ये जो हाईवे है ये सीधा नैनीताल को जाएगा, और यहाँ से जिम कॉर्बेट से हम सीधे यहाँ से हल्द्वानी नैनीताल को जाएंगे। देख सकते हैं कितना खूबसूरत ये रोमांचक सफ़र। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं आपको नज़र आएंगी बहुत सारी बटरफ्लाई। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कितनी सारी तितलियाँ आपका स्वागत करती हैं। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत ये नेचर व्यू, और आपको यहाँ रास्ते में देखेंगे ये भुट्टे वाले। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये बौर नदी। आप देख सकते हैं ये जो रास्ता था ये जिम कॉर्बेट से सीधे हल्द्वानी को जाता है, और ये वाला जो राइट साइड में रास्ता है ये जाएगा सीधे नैनीताल को। तो फ्रेंड्स, आज का जो सफ़र है हमारा कैची धाम नीम करौली वो रहेगा नैनीताल के सफ़र में। फ्रेंड्स, यहाँ से हल्द्वानी काठगोदाम भीमताल भवाली कैची धाम मुक्तेसर अल्मोड़ा ये पूरा आप हल्द्वानी के रास्ते जा सकते हैं, और ये वाला जो रास्ता है वो जाएगा नैनीताल, और यहाँ से भी आप कैची धाम होते हुए जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप नैनीताल घूमने की प्लानिंग करते हैं तो ये रास्ता आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। तो फ्रेंड्स, मैं खड़ा हूँ इस समय कालाढुंगी में। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं जिम कॉर्बेट का ये संग्रहालय। तो फ्रेंड्स, नैनीताल नीम करौली जाते वक्त आप अगर चाहें तो जिम कॉर्बेट का म्यूजियम देख सकते हैं। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं जिम कॉर्बेट म्यूजियम, जिम कॉर्बेट संग्रहालय, जो कि नैनीताल को जाने वाले रास्ते पे ये आपको दिखेगा। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये पूरा जो है जिम कॉर्बेट का म्यूजियम काफ़ी खूबसूरत। तो
फ्रेंड्स आप यहाँ पर आके देख सकते हैं जिम कॉर्बेट से जुड़ी यादें। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये छोटे छोटे चाय की दुकानें आपको रास्ते में दिखेंगी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हम आ पहुँचे हैं इस समय लगभग आधे रास्ते में। तो आप देख सकते हैं यहाँ से कितना खूबसूरत नज़ारा नज़र आता है नीचे तलहटी में बसे गांवों का। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये काफ़ी बड़ा एरिया पहाड़ का। तो फ्रेंड्स आप जब भी आएँ तो पहाड़ी सफ़र पे ध्यान रखें लैंडस्लाइड का। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लैंडस्लाइड हुआ है जिसके कारण ये सड़क का काम चल रहा है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये पूरा एरिया जो है लैंडस्लाइड की जद में आता है। तो फ्रेंड्स सावधानी से, तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कितने तीव्र बैंड ये हैं। तो आप जब भी पहाड़ी सफ़र करें तो ड्राइविंग का पूरा ख्याल रखें। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कितने खतरनाक ये हेयरपिन बैंड। तो फ्रेंड्स मैं आ गया हूँ एक खूबसूरत व्यू पॉइंट में। तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे कितना खूबसूरत व्यू यहाँ से नज़र आता है। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं नीचे गांव की तलहटी और ये पूरा जो इलाका है आप देख सकते हैं नीचे सीतावनी कंजर्वेशन का जो इलाका है पूरा वो देख सकते हैं फ्रेंड्स आप। तो फ्रेंड्स देखिए अभी ये जो नीचे सड़क दिख रही है आपको यहाँ से ही हम लोग आए हैं, शुरुआत हुई है पहाड़ी इलाके की। मेरे साथ हैं इस समय मेरे मित्र रविंदर जो आज मेरे साथ हैं नैनीताल के सफ़र में। तो फ्रेंड्स आप देखिए आगे आपको बहुत मज़ा आने वाला है, खूबसूरत नज़ारे मैं आपको दिखाऊंगा और पहाड़ी रास्तों का आप इंजॉय करेंगे। पहाड़ी पे शुरुआत हो चुकी है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत ये छोटे छोटे रेस्टोरेंट, कितना खूबसूरत ये इलाका नैनीताल के सफ़र में। मैं हूँ इस समय घटगढ़ गांव में जो कि नैनीताल के रास्ते में पड़ने वाला एक छोटा सा गांव है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको मिलेंगे छोटे छोटे होटल, होम स्टे पूरा हो चुका है और मैं आ चुका हूँ इस समय चीड़ के घने जंगलों के बीच में। तो फ्रेंड्स आप मेरे पीछे जो जंगल देख रहे हैं यहाँ पर शूटिंग हुई थी विवाह फिल्म की। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये पूरा जंगल का इलाका और यहीं पर एक सीन दर्शाया गया था विवाह फिल्म का। शुरुआत हो चुकी है पहाड़ी इलाके की। तो आप देख सकते हैं धीरे धीरे हम पहुँच रहे हैं बादलों के साथ। फ्रेंड्स ठंडी ठंडी हवा, छोटे छोटे ये प्राकृतिक झरने देख सकते हैं कितने खूबसूरत छोटे छोटे होम स्टे और होटल आपको मिलेंगे रास्ते में। तो फ्रेंड्स आप मैं आ चुका हूँ एक और खूबसूरत व्यू पॉइंट पे। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत ये व्यू यहाँ पर गेस्ट एंजॉय करते हुए। तो फ्रेंड्स हम आ चुके हैं इस समय बादलों के बीच में। तो फ्रेंड्स बादलों के साथ आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत ये व्यू। बादलों में पांव है आपने गाना सुना होगा। तो फ्रेंड्स आज मैं आ चुका हूं इस समय बादलों के साथ। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं चारों तरफ बादलों के बीच में घिरा हुआ ये पूरा इलाका। तो फ्रेंड्स कहां से आए आप लोग? हम दिल्ली से। तो फ्रेंड्स मज़ा आ रहा है आपको नैनीताल के रास्ते में? जी बढ़िया है, उसमें मौसम अच्छा हो रहा है। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कैसा महसूस कर रहे हैं आप, एंजॉय आ रहा है आपको? बहुत बढ़िया वेदर है, मज़ा आया फ्रेंड्स? बहुत बढ़िया। तो फ्रेंड्स मैं आ चुका हूँ इस समय नैनीताल के रास्ते में पड़ने वाले एक छोटी सी झील में। तो फ्रेंड्स मैं आ चुका हूँ इस समय खुरपा ताल में। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं फ्रेंड्स कितना खूबसूरत व्यू नज़र आता है यहाँ से। तो आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत व्यू नज़र आता है यहाँ से ये खुरपा ताल झील का। आप देख सकते हैं ये पूरा गांव खूबसूरत और आप देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ से पूरा व्यू नजर आता है खुरपा ताल झील का।
फ्रेंड्स लगभग कुछ ही दूरी पर यहाँ से नैनीताल है, हम चलेंगे नैनीताल। उसके बाद मैं आपको ले चलूँगा कैची धाम, नीम करौली महाराज के मंदिर में। तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं खूबसूरत सफ़र जिम कॉर्बेट से नैनीताल कैची धाम का। फ्रेंड्स आगे सफ़र और मज़ेदार होगा क्योंकि ये पूरा जो इलाका है आप देख सकते हैं खूबसूरत पहाड़ियों से घिरा हुआ। तो फ्रेंड्स मैं आ चुका हूँ इस समय एक वाटरफॉल के पास। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत ये वाटरफॉल। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं पूरा ये वाटरफॉल ऐसे लग रहा है जैसे कि ये दूध का एक झरना हो। तो फ्रेंड्स कितना नीट एंड क्लीन आप देख सकते हैं ये वाटरफॉल। फ्रेंड्स आप ले सकते हैं यहाँ पर सेल्फी और अपने साथ ले जा सकते हैं यादें नैनीताल की। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत ये व्यू यहाँ से नज़र आता है। आप देख सकते हैं यहाँ से आप जा सकते हैं हिमालयन बॉटिकल गार्डन। तो आप देख सकते हैं ये पूरा ये जो रास्ता जाता है ये जाता है हिमालय बॉटिकल गार्डन की तरफ को। आप देख सकते हैं पूरा ये इलाका देख सकते हैं बादलों के बीच में हम इस समय चल रहे हैं और ये खूबसूरत नज़ारा। यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी है नैनीताल की और आप देख सकते हैं मेरे पीछे आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत व्यू यहाँ से नज़र आता है पहाड़ियों का। दोस्तों देख सकते हैं घुमावदार ये रास्ते नैनीताल के। दोस्तों आप देख सकते हैं ये है नैनीताल का हॉर्स स्टैंड, आप हॉर्स राइडिंग कर सकते हैं यहाँ से। फ्रेंड्स हम एंट्री कर चुके हैं नैनीताल शहर में और आप देख सकते हैं ये पूरा पार्किंग से भरा एरिया नैनीताल का। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इतना। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये शुरुआत हो चुकी है नैनीताल शहर की। फ्रेंड्स मैं आ चुका हूँ इस समय नैनीताल में और मैं आपको ले चलूँगा अब नैनीताल झील के किनारे। तो फ्रेंड्स आज का जो सफ़र था हमारा जिम कॉर्बेट टू नैनीताल का लगभग लगभग पूरा हो चुका है। तो फ्रेंड्स आगे हमारा जो सफ़र रहेगा वो रहेगा जिम कॉर्बेट टू नैनीताल और नीम करौली कैची धाम। तो फ्रेंड्स अब हम चलेंगे नैनीताल झील की तरफ। तो फ्रेंड्स आज का जो सफ़र था वो था हमारा जिम कॉर्बेट टू नैनीताल। तो फ्रेंड्स मैं आ चुका हूँ इस समय नैनीताल झील के किनारे और आप मेरे पीछे देख सकते हैं फ्रेंड्स ये पूरा व्यू यहाँ से नैनीताल का नज़र आता है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये नैनीताल झील का पूरा व्यू। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत ये व्यू नैनीताल झील का। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इतना खूबसूरत नज़ारा नैनीताल का और आप इंजॉय कर सकते हैं यहाँ पर बोटिंग का। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं बोटिंग का इंजॉय कर सकते हैं आप नैनीताल आके। आप देख सकते हैं नैनीताल ये ढेर सारी मछलियाँ। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं झील के किनारे ये मछलियों का झुंड। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं नैनीताल का खूबसूरत व्यू और ये आप देख सकते हैं केबल कार नैनीताल की। इस समय नैनीताल झील के एक व्यू पॉइंट पे और आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत नज़ारा यहाँ से नज़र आता है नैनीताल झील का। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मानसून का ये सीज़न और
मानसून में कितना खूबसूरत नज़र आता है नैनीताल। तो फ्रेंड्स मैं चल रहा हूँ इस समय नैनीताल के लेक के पास बने एक पाथवे में। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत ये व्यू नैनीताल झील का यहाँ से नज़र आता है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं लोग सेल्फी लेते हैं लेक के साथ। तो फ्रेंड्स कितना खूबसूरत ये व्यू है नैनीताल का। फ्रेंड्स जिम कॉर्बेट से लगभग 55 किलोमीटर की दूरी पर जो है नैनीताल स्थित है। तो फ्रेंड्स आप जिम कॉर्बेट आते हैं तो विजिट कर सकते हैं नैनीताल का। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत ये नज़ारा नैनीताल की झील का। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये पूरा खूबसूरत व्यू है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इस समय हम चल रहे हैं लोअर माल रोड में और ये है ऊपरी माल रोड। तो फ्रेंड्स नैनीताल का जो मेन डेस्टिनेशन है वो है ये माल रोड। आप देख सकते हैं खूबसूरत चर्च। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत ये नज़ारा है नैनी झील का। शाम का समय और पूरा व्यू यहाँ से नज़र आता है दोस्तों नैनी झील का। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स आप देख सकते हैं अपर माल रोड और ये खूबसूरत नैनीताल। नैनीताल का ये खूबसूरत नज़ारा। हमें इस समय माल रोड में तो ये नैनीताल का रिक्शा स्टैंड। तो दोस्तों ये वाला जो रास्ता है आपने देखा जिम कॉर्बेट से नैनीताल होते हुए ये रूट आप देख रहे हैं सामने ये कैची धाम को जाता है। यहीं से हमारी कैची धाम की यात्रा की शुरुआत होगी। दोस्तों मैं आ चुका हूं इस समय नैनीताल के पल्लीताल की झील एरिया में। तो आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत नज़ारा यहां से नज़र आता है नैनीताल झील का। तो दोस्तों ये पूरा एरिया नैनीताल का जो पड़ता है इसे कहते हैं पल्लीताल। देख सकते हैं मैं खड़ा हूँ इस समय पल्लीताल नैनीताल में। तो फ्रेंड्स ये जो पीछे वाली रोड आप देख सकते हैं ये वाला जो रोड है वो जाता है कैंची धाम को। तो फ्रेंड्स अभी यहाँ से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर कैंची धाम मंदिर है। तो फ्रेंड्स बने रहिए कॉर्बेट नगरी यूट्यूब चैनल के साथ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हम निकल चुके हैं नैनीताल से और कैंची धाम का सफ़र अभी बाकी है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं नैनीताल की ये सेल्फी पॉइंट आपको दिखेंगे जगह जगह। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत। तो फ्रेंड्स आपने देखा ये वाला जो रास्ता है ये था नैनीताल से कैची धाम के लिए। तो फ्रेंड्स आप अगर हल्द्वानी के रास्ते आते हैं तो ये वाला जो रूट है वो हल्द्वानी से कैची धाम को जाता है। तो फ्रेंड्स ये वाले रूट पे हम जाएंगे जो कि सीधे कैची धाम को जाएगा। यहाँ पर से नैनीताल 9 किलोमीटर लेफ्ट साइड में और ये रास्ता जाता है श्री कैची धाम जिसकी दूरी यहाँ से 10 किलोमीटर की है। तो फ्रेंड्स मैं खड़ा हूँ इस समय हवाली जो कि एक छोटा सा पहाड़ी नगर है। तो फ्रेंड्स यहाँ से जो कैची धाम की दूरी है लगभग 7 किलोमीटर की है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं छोटा सा ये पहाड़ी कस्बा भवाली। तो फ्रेंड्स हम पहुँचने वाले हैं जल्दी कैची धाम। तो दोस्तों आप देख सकते हैं रास्ते में कितना खूबसूरत ये प्राकृतिक झरना। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत ये झरना। तो फ्रेंड्स आज का जो सफर था वो था जिम कॉर्बेट से नैनीताल और कैची धाम का। तो फ्रेंड्स मैं आ चुका हूँ इस समय कैची धाम बाबा नीम करौली के मंदिर में। तो फ्रेंड्स आप तो दोस्तों आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत नज़ारा यहाँ से कैची धाम का नज़र आता है। तो फ्रेंड्स बस लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ से कैची धाम
मंदिर। दोस्तों आप देख सकते हैं कैची धाम का ये मार्केट, पूरा कैची धाम का ये मार्केट, खूबसूरत मार्केट कैची धाम का। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हम वहाँ पहुँचे हैं कैची धाम बाबा नीम करौली। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कैची धाम का ये मंदिर। तो फ्रेंड्स मैं आ चुका हूँ इस समय बाबा नीम करौली महाराज के कैची धाम मंदिर में। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत नज़ारा यहाँ से नज़र आता है। तो फ्रेंड्स जैसा कि कैची धाम की मान्यता है कि यहाँ पर भक्तों की मुराद पूरी होती है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर विराट कोहली, मार्क जकरबर्ग जैसे कई दिग्गज लोग यहाँ पर आ चुके हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यह है मंदिर का प्रवेश द्वार बाबा नीम करौली कैची धाम का, और आप देख सकते हैं वो है सामने कैची धाम का मंदिर। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इस समय भक्तों का तांता लगा हुआ कैची धाम नीम करौली में। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं परम पूज्य बाबा नीम करौली महाराज जी का ये श्री कैची धाम मंदिर। तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ इस समय नीम करौली कैची धाम मंदिर। तो फ्रेंड्स आज का जो वीडियो था वो था जिम कॉर्बेट टू नैनीताल और कैची धाम। तो फ्रेंड्स कमेंट करके बताइए आज का वीडियो आपको कैसा लगा। तो फ्रेंड्स फिर मिलते हैं, कॉर्बेट नगरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। टेक केयर फ्रेंड्स।